मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपने दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतारना शुरू कर दिया है, लेकिन लगता है बीजेपी की इस रणनीति पर कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने बीजेपी प्रत्याशियों पर सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, सबको दिग्भ्रमित करने वाली बीजेपी आगामी चुनाव में अपनी हार को सामने देखकर खुद ही दिग्भ्रमित हो गई है और डर कर विरोधाभासी नीति अपना रही है, जिससे जनता में भाजपा की हंसी उड़ रही है। एक तरफ भाजपा दावा कर रही है कि वो नई पीढ़ी के नेताओं को आगे बढ़ाना चाहती है, दूसरी तरफ वो झाड़ पहुंचकर ऐसे नेताओं को चुनाव लड़ने के लिए बाध्य कर रही है जिनके पास न तो लड़ने के लिए इच्छा शक्ति है और न ही इस भाजपा विरोधी माहौल में जीतने के लिए जनशक्ति। भाजपा भ्रमित भी है और भयभीत भी। दरअसल इंदौर एक से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने चुनाव लड़ने का मन नहीं होने की बात कही थी, इसे कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया है। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय बाइक पर बैठकर गली गली चुनाव प्रचार में जुटे हैं और चुनावी गणित भी फिट करने में जुटे हैं। काम अच्छा करना, हाँ क्वालिटी काम होना चाहिए बिल्कुल। कितने दिनों बना दोगे चुनाव के बाद करोगे? 15 नवम्बर टारगेट करो, 15 नवम्बर।